कराची के अवाम अस्सलाम वालेकुम। जी हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। लॉन्ग मार्च के आगाज से पहले जियाले कायद की मजार कायद से ललकार। कहा अपोजिशन से मिलकर तय कर चुके कि हुकूमत को घर भेजना है। आवाम साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। खान साहब ने जमहूरियत का जनाजा निकाला है, मईशत का बुरा हाल कर दिया है। करप्शन के खात्मे का वादा करके इस हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आवाम से कहा आए हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करते हैं। इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंच के हम इस हुकूमत पे हमला करेंगे। बिलावल, फिर मैं पूछता हूं, सिंध के खजाने पर डाका क्यों डाला जा रहा है? 30,000 रुपया एक एक वर्कर को 11 दिन का पैकेज किसने दिया है? सिंध की आवाम एहतसाब चाहती है, हिसाब चाहती है। लखी गुलाम शाह से शाह महमूद कुरैशी का जवाब। कहा आज बिलावल से सिंध में 15 साल हुकूमत का हिसाब लेने आया हूँ। सिंध का हक सिंध के हुक्मरान मार रहे हैं। इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए कारकुनों में 30,000 बांटे। पंजाब आना, इंशाल्लाह वहां भी सवाल उठेंगे, जवाब मांगेंगे और हमसे सवाल करना जवाब देंगे। बिल्कुल घबराने वाले नहीं है। अगर घबराने वाला होता तो तुम्हारे वालिद के मुंह पर इस्तीफा मार के वजारत खारजा मत छोड़ता। देखें निकले तो वो कब के हुए हैं, वापस उन्होंने कब जाना है? वो पैदाइशी निकला हुआ है, सो तहरीक चलाना उनके उसका मटीरियल नहीं है, और वो तहरीक चलाने वाला मटीरियल नहीं है, और ये जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें उसके बस की बात नहीं है। बिलावल लॉन्ग मार्च मटेरियल नहीं, जो इनके बस में है वो करें। शेख रशीद कहते हैं एहतजाज सबका हक, लॉन्ग मार्च आएगा तो पूरी सिक्योरिटी देंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में डेड लॉक हो गया है, हमें इत्तेहादियों पर एतमाद है। आपके 12 बंदों ने उड़ जाना है फिर ना कहना, शेख रशीद ने कुछ कहा था। आप इमरान खान को इंशाल्लाह ताला मजबूत करने जा रहे हैं, आपकी तहरीक नाकामी का शिकार होगी। हमारी तरफ छोड़ें, आप अपने बंदों का ख्याल रखें। आप 9 दिन अपने बंदों को, 2 दिन स्पीकर के और 7 दिन वोटिंग वाले दड़बे में नहीं रख सकते। ये फुर्र करके उड़ जाएंगे 12 बंदे आपके। फिर ये ना कहना कि शेख रशीद ने जनाब अली ये बात की। हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे स्टक हैं, हमें कहा गया था कि आप लवीव स्टेशन पे पहुंचे, यहाँ से आपको हम लेके जाएंगे बॉर्डर की तरफ। लेकिन हम जब यहाँ पे हम पहुंचे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि बॉर्डर क्लोज है, कभी कुछ हो गया। यहाँ पे कोई एम्बेसडर नहीं है, किसी ने हमें रिसीव नहीं किया, और ना हम भूखे हैं, 3 दिन से हम भूखे हैं, ना हमने कुछ खाया पिया, किसी के पास पैसे भी नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं। लवीव आए हैं, यहाँ से हमारे लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया गया। इवन हम यहाँ पे आए भी अपने एक्सपेंसेस से हैं। एक कैबिनेट का हमने $200 पे किया है, सब बंदे ने पर हेड पे किया है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमें कहा गया था कि बसेस का इंतजाम है, कोई एक बस नहीं है, यहाँ पाँव रखने तक की जगह भी नहीं, और खाने का तो बिल्कुल इंतजाम नहीं है, हालांकि हम 3 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा सख्त मुश्किल में, हौसले जवाब देने लगे, लोग बेहोश होने लगे, पैसे खत्म हो गए, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, ट्रेनों में जगह नहीं, जाएं तो जाएं कहां, कोई तो आए हमें यहां से ले जाए, तलबा की दुहाइयां। पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसर जाने कहां हैं, जो सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। वेट हो रहे हैं यहां से, अभी ऑलमोस्ट ये सब नेशनलिटीज के जो है ना बच्चे एवैक्यूएट कर रहे हैं। मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल, तलबा की वापसी के लिए PIA की परवाज आज पोलैंड रवाना ना हो सकेगी। हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 दिन में रवानगी मुतवक्के है। शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तानी तलबा को तसल्ली, कहा हौसला रखे, घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
रूसी फौज की यूक्रेन पर यलगार का चौथा रोज, आसमान से बम बरसाए गए, हर तरफ तबाही के मनाजिर। दारुल हुकूमत कीव में पीर तक कर्फ्यू नाफिज, सड़क पर नजर आने वाले हर शख्स को रूस का मददगार समझा जाएगा। यूक्रेनी सदर के मुशीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूसी फौज के कदम रोक दिए हैं, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा, हम लड़ते रहेंगे, दुश्मन को मौका नहीं देंगे। झड़पों में 3,500 रूसी फौजियों को हलाक या जख्मी करने का दावा। जर्मनी का यूक्रेन को 1,000 टैंक और 500 स्टिंग मिसाइल देने का ऐलान। यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए जाए, क्रेमलिन का हुक्म, कीव में ऑयल डिपो तबाह कर दिया। यूक्रेन ने मुतालबा किया है कि रूस की वीटो पावर ख़त्म कर दी जाए। यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका ने रूस के बैंकों पर मजीद पाबंदियां लगा दी। यूक्रेनी सदर पुरोज़म कहा, रूस पर फतह पाएंगे, हम अपनी ज़मीन और आइंदा नस्लों का दिफा कर रहे हैं, इत्तेहादी मदद के लिए आ गया है। लिथुआनिया ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की एक खेप भेज दी। तुर्की की रूस और यूक्रेन को सालिसी की पेशकश। लाहौर के नवाब टाउन में मियां बीवी और कमसिन बच्ची का कत्ल, तीनों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। खातून और शोहर के हाथ पांव बंधे हुए थे, क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक माहिरीन तलब। 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, जिसमें ना सिर्फ उन्हें मुंह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में हजीमत उठाई। 27 फरवरी पाकिस्तान की फतह का दिन, शाहीनों ने मक्कार दुश्मन के दान खट्टे किए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, दो भारतीय तैयारों के परख्चे उड़ाए, अभिनंदन को गिरफ्तार करके फैंटास्टिक चाय पिलाई और फिर अम पसंदी का सबूत देकर कहा, जा अभिनंदन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का पैगाम, कहा पाकिस्तान की मुसल्ला फौज ने भारत की नाकाम मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं, मैं मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखता हूँ, अम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हमला करने वाले भारत को 27 फरवरी 2019 को ये करके भी दिखाया। न्यूजीलैंड देख लो, इंग्लैंड तुम भी सुन लो, पाकिस्तान महफूज है, वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम तारीखी दौरे पर शाहीनों के देश आ गई। टीम ऑस्ट्रेलिया चार्टर तैयारे से सुबह सवेरे इस्लामाबाद पहुंची। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, खिलाड़ी 2 रोज बायो सिक्योर बबल में रहेंगे, कोरोना टेस्ट मनफी आने पर ट्रेनिंग की इजाजत मिलेगी। 24 साल बाद पाकिस्तान आने वाले कैंगरूज 3 टेस्ट 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलेंगे। पहला टेस्ट 4 मार्च को रावलपिंडी में शुरू होगा। कैंगरूज कप्तान पैट कमिंस पाकिस्तान आकर खुश, कहा हम 24 साल बाद पहले दौरे से लुत्फंदोज होना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां शुरू, रावलपिंडी स्टेडियम में पहले प्रैक्टिस सेशन में कप्तान बाबर आजम भी शरीक। खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें, बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने प्लेयर्स को स्लिप कैचिंग की प्रैक्टिस भी कराई। और कलंदर्स या सुल्तान, लाहौर या मुल्तान, किसकी बढ़ेगी शान, फैसले की घड़ी आ पहुंची। दोनों टीमें फाइनल मार्के में आज कजाफी स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। फातह टीम को 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, रनर अप टीम 3 करोड़ 20 लाख रुपए की हकदार ठहरेगी।